स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज हाउस में। चलिए शुरू करते हैं हमारी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू की फॉर्म में, और मैं प्रणव लूंगा आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोजिव डिटेक्शन हेल्ड ऑन 14th and 15th December 2018, यानी कि 14 और 15 December 2018 को आयोजित किया गया था विस्फोटक जांच, यानी कि उसके ऊपर एक वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला जो है अरेंज की गई थी विस्फोटक जांच के ऊपर, और ये राष्ट्रीय लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज की गई थी। सवाल है कि ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी। दोबारा प्रश्न रिपीट करता हूँ, 14 और 15 दिसंबर को विस्फोटक जाँच कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी। दोस्तों चार ऑप्शंस है आपके सामने, पुणे, देहरादून, हैदराबाद और शिमला। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह दोस्तों पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। और दोस्तों जो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था वो पुणे में कहाँ पर किया गया था, वो था HEMRL यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी में। और एंटी टेररिज्म स्क्वाड है हमारी, उसके जो चीफ हैं अतुल चंद्र कुलकर्णी वो इसके चीफ गेस्ट थे। इन टोटल 200 डेलीगेट्स यानी कि 200 लोगों का इसके अंदर पार्टिसिपेशन रहा, जो कि डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि DRDO लैब्स, आर्मी, CRPF, CISF और एकेडमिक इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, किसे 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि NCRB नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों हमारे सामने चार जो ऑप्शन है वो है रामफल पवार, अमन मित्तल, राकेश अग्रवाल और वरुण माथुर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि रामफल पवार। और ये जो है मिस्टर रामफल पवार, ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडर से बिलोंग करते हैं। अभी तो अभी जो है अपॉइंट हो गए हैं नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हेड, लेकिन इससे पहले ये जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि PM महिंद्र राजपक्षा, जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो हमारे सामने जो चार ऑप्शंस हैं वो हैं अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो सिंपल प्रश्न है कि महिंद्र राजपक्ष जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन किया है। दोस्तों थोड़ा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सीज महिंद्र राजपक्षे के चारों तरफ अभी न्यूज़ में रही हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। और कंट्रोवर्सी इस चीज़ के रिगार्डिंग थी कि जो सरकार थी पहले, इनसे पहले की जो सरकार थी उसको एक तरीके से हटा दिया गया था, प्रेसिडेंट के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, उसके बाद राजपक्षे ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, बट काफ़ी कंट्रोवर्सीज के बाद अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है। दोस्तों चौथा सवाल है कि सेक्सटोर्शन के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे पहले सेक्सटोर्शन लाने वाला यानी कि सेक्सटोर्शन के ऊपर लॉ लाने वाला कौन सा राज्य है। चार ऑप्शंस है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है 3, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों सेक्सटोर्शन का मतलब है कि सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमेन बाय दोज इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो कोई भी जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें से किसी जो अगर कोई इनमें वुमेन है तो उनसे किसी भी तरह के सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं इन रिटर्न ऑफ, कि जस्ट बिकॉज वो ऊपर लीडरशिप की पोस्ट पे हैं तो काफ़ी दबाव रहता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो ये सब जो है गतिविधियाँ जो कि गलत हैं
उनके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो यह बिल अप्रूव किया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018, जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, जो सेक्सटोर्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 के अंडर आता है। दोस्तों पांचवा सवाल है कि 15 दिसंबर 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्ट सिटी में आयोजित 27वें वार्षिक वैश्विक पृष्ठ पर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 के रूप में किसे ताज पहनाया गया, यानी कि 15 दिसंबर 2018 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 किसको दिया गया। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन देखे तो, बट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो जो आ रही है वो ये है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 जो है दिया गया है फोर्ट सिटी ऑफ न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में, बट दिया किसे गया है ये सवाल है। दोस्तों जो आप देखेंगे चारों नाम जो है इंडियन है, तो अब पूछा गया है कि कौन सा जो है इनमें से वो लेडी रही जिनको ये प्राइज दिया गया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्री सैनी, और जो श्री सैनी है ये एक इंडियन अमेरिकन है, यानी कि कुछ रूट्स इनके इंडिया से बिलोंग करते हैं बट शी इज़ अमेरिकन, तो इनको जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 दिया गया। और ये जो प्रोग्राम है ये जो है ऑर्गेनाइज कराया था न्यूयॉर्क बेस्ड इंडिया फेस्टिवल कमेटी ने, और जो है फर्स्ट रनर अप रही साक्षी सिन्हा जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, और सेकंड रनर अप रही अनुषा सरीन जो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती है। देखो दोस्तों जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 है ये जनरली कंटेस्ट जो होता है NRIs के बीच में कि कौन ऐसी इंडियन वूमेन है जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उसको जो है अवार्ड दिया जाता है, और इस साल का जो अवार्ड गया है वो गया है श्री सैनी को। दोस्तों छठा सवाल है कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में बनाया गया है, तो ऐसा कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि किस कंट्री में बनाया गया है जो कि फ्लोट करता है। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है रशिया, और ये जो है लाया गया है इन एक्शन दिसंबर 11 2018 से, और इसका जो नाम है काफ़ी डिफिकल्ट नाम है, खैर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं कि एकेडमिक लोमोनस हो जो है इसका नाम है इस फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है न्यूक्लियर पावर फर्म है रोस्तम, तो इसने कंस्ट्रक्ट किया है दुनिया का सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया में। दोस्तों सातवां सवाल है कि 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय आदेश के मेरिट के फ्रांसीसी नाइट से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि फ्रांस का एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो 14 दिसंबर 2018 को दिया गया है, तो वो कौन पर्सन है जिसको इससे सम्मानित किया गया है। दोस्तों चार ऑप्शन है हमारे पास, अवी अरद, अशोक अमृतराज, सैयद अमन बच्चन और जुद अबाताओ। दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज जो है ये एक हॉलीवुड डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले कुछ मूवीज़ प्रोड्यूस भी की हैं जैसे कि घोस्ट राइडर, स्पिरिट ऑफ वेनेजियंस और 99 होम्स, तो ये कुछ इनकी फेमस मूवीज़ हैं, और इनको इस साल सम्मानित किया गया है फ्रेंच नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है, हु वाज नेम द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ द फ्रेंच यूनिट ऑफ एयर फ्रांस KLM ग्रुप, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका नाम है एयर फ्रांस KLM ग्रुप, उसकी पहली वुमेन CEO बनी है, तो उसका नाम पूछा गया है। दोस्तों चार ऑप्शन है हमारे सामने, एडी रेगन, लेनेट स्कावो, एनी रिगेल और सुसन मायर। दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी रिगेल। एनी रिगेल इससे पहले जो अभी वो करेंटली जहाँ पे काम कर रही हैं, शी इज़ एक्टिंग एज CEO ऑफ एयर फ्रांस, लेकिन अब ये CEO बनेंगी एयर फ्रांस KLM ग्रुप की, और पहली वुमेन CEO होंगी वो इस ग्रुप की, 49 ईयर ओल्ड वुमेन है, और ये रिप्लेस करेंगी बेंजामिन स्मिथ को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि
16 दिसंबर 2018 को कौन सा बल्लेबाज सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन बना टू स्कोर 25 टेस्ट सेंचुरीज, यानी कि 25 टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? दोस्तों चार ऑप्शन हमारे पास, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, चेतेश्वर पुजारा। और दोस्तों काफी इजी है इसको आंसर करना, अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज को फॉलो करते हैं तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर है। और थर्ड पोजीशन पे इस लिस्ट की हमारे ही सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर आते हैं। और दोस्तों उन्होंने जो ये माइलस्टोन अचीव किया यानी कि 25 टेस्ट सेंचुरी का, ये 127 इनिंग्स के अंदर किया है। ये ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पर्थ टेस्ट मैच चल रहा था उसमें इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों आज का हमारा आखिरी सवाल है कि यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयन डिक्लेयर्ड विच ईयर एज ईयर ऑफ टॉलरेंस, यानी कि यूएई के प्रेसिडेंट ने किस ईयर को ईयर ऑफ टॉलरेंस बनाया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयन। उन्होंने किस वर्ष को सहिष्णुता के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों चार ऑप्शन है, 2025, 20, 21 और 19। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2019। और इन्होंने हाईलाइट किया है कि कैसे कंट्री, इनकी जो कंट्री है यूएई, उसको एज अ ग्लोबल कैपिटल फॉर टॉलरेंस बनाने की कोशिश की गई है और की जाएगी भी, जैसे कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, किसी भी तरह का रीजनल और इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं होगा और सभी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। देखते रहिए नॉलेज हाउस, हमारा ब्लॉग है knowledgehouse.co, इसको फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ड्रॉप कीजिए और देखते रहिए नॉलेज हाउस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।